हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज न्यूज़ एनालिसिस फ्रॉम पीआईबी एंड द हिंदू। तो आज हम लोग दो दिन का न्यूज़ डिस्कशन करने वाले हैं, 6 और 7 नवंबर का। तो देखते हैं आज का पहला न्यूज़, मतलब ये कल का न्यूज़ है, दैट इज़ INS तारिणी ऑन सेकेंड लेग ऑफ सरकम नेविगेशन। तो हमने काफ़ी डिस्कशन किया है इस न्यूज़ पे। आपको पता है कि नाविका सागर परिक्रमा हो रहा है, इसमें जो क्रू हैं, वुमेन क्रू हैं, 6 वुमेन हैं इसमें, जो कि ग्लोब की ग्लोब का ऑलमोस्ट चक्कर लगाने वाली हैं। और नेवी सेलिंग वेसल है ये तारिणी, जिससे ये लोग चक्कर लगा रहे हैं। तो इसमें कुछ स्पॉट दिए हुए हैं कहाँ कहाँ पे लोग जाने वाले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड फॉकलैंड एंड साउथ अफ्रीका, तो ये सारे डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे वो जाने वाले हैं। तो इसमें INS तारिणी के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ अ 55-फुट सेलिंग वेसल बिल्ड इंडिजिनियसली इन इंडिया। तो इंडिया में बनाया गया है इसको, और एक्वेरियस शिपयार्ड जो गोवा में इस्टेब्लिश है, उन्होंने बनाया है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है, तो इसको याद रखना है कि ये जो INS तारिणी है, इसको गोवा में बेस्ड जो शिपयार्ड है उसने बनाया है, ना कि DRDO या किसी और विंग ने। एंड इट कैरीज़ अ सूट ऑफ 6 सेल इंक्लूडिंग अ मेन सेल, हेड सेल, एंड द बोट हैज़ बिन नेम्ड आफ्टर द फेमस तारा तारिणी टेम्पल इन गंजरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि इसका जो नाम रखा हुआ है, कई बार पूछा गया है पहले भी, तो ये किसके नाम पे रखा गया है। तो ये जो बोट का नाम रखा गया है, वो तारा तारिणी टेम्पल है ओडिशा में, उसके नाम पे रखा गया है। तो ऑप्शंस में हो सकता है आइलैंड वगैरह का ऑप्शन हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि टेम्पल के नाम पे INS तारिणी का नाम रखा गया है। और इस बहुत न्यूज़ में है, तो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछा भी, ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये नाविका सागर परिक्रमा क्या है, इसको भी याद रखना है। अगला न्यूज़ है, यूनिवर्स मोस्ट एंशिएंट स्पाइरल गैलेक्सी स्पॉटेड। तो यहाँ पे बहुत छोटा सा न्यूज़ है ये, और इम्पॉर्टेंट हो भी सकता है नहीं भी। कई बार एग्जाम में बहुत छोटा सा इसे नंबर ही सिर्फ लिखा हुआ आ जाएगा, दैट इज़ A1689B11, कि ये क्या है, इट वाज अ न्यूज़। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी एक ये ढूंढा गया एक गैलेक्सी है, स्पाइरल गैलेक्सी है ये। ऑप्शंस में कुछ और भी हो सकता है, ड्वार्फ प्लैनेट या ये सब हो सकता है। तो ये जो नंबर है, दैट डिनोट्स द गैलेक्सी, गैलेक्सी को भी ढूंढा गया है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फिप्स फिजियोकॉन 2017। तो ये कॉन्फ्रेंस है, इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था ह्यूमन साइकोलॉजी पे, इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया था, कई सारे लोगों ने मिलके किया था, जैसे कि एक कांग्रेस ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल सोसाइटी, दैट इज़ फिप्स, एंड एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ साइकोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया PSI, और इन्होंने किसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, तो दीपस है एक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, जो कि DRDO की है। तो उन्होंने मिलकर के इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया था। इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ये टेम्परामेंट्स चेंज हो रहे हैं और ह्यूमन साइकोलॉजी में जो बदलाव आ रहा है, एडवांसमेंट आ रहा है, उससे लोगों को अपडेट करना, और इसमें जितनी भी चीज़ों की हेल्प ली जा सकती है, उन सब चीज़ों पर रिसर्च करना इसका ऑब्जेक्टिव था। एंड अगला न्यूज़ है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड NIIF। तो था ये मेरा ऑब्जेक्टिव था कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दूं मैं आपको। तो ये जो NIIF फंड है, इट इज़ अ फंड क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएट करती है फॉर एनहांसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन द कंट्री। तो ये जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के एनहांसमेंट के लिए दिया जाता है, याद रखना है। एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, ये जो NIIF है उससे ये अलग होता है। एंड इट इज़ प्रपोज टू बी सेटअप अ ट्रस्ट टू रेज डेट टू इन्वेस्ट द इक्विटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सच एज इंडियन रेल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड नेशनल हाउसिंग। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में डेट बढ़ाने के लिए, मतलब शेयर्स इक्विटीज़ को बढ़ाने के लिए एच बनाया जाना चाहिए, जिससे कि उनको ये सारे फाइनेंस किए जा सकते हों। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो NIIF वुड मेक इम्पैक्ट मेनली थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कॉमर्शली वैलेबल प्रोजेक्ट। देखिए, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों में ही ये फंड करती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या होते हैं। तो जो न्यूली प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहले काम नहीं हुआ है, दैट इज़ अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। और जो ऑलरेडी वर्किंग था, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, उसको अगर ठीक करने की बात हो रही हो, उसको रिपेयर करने की बात हो रही हो ऐसे प्रोजेक्ट्स को, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में देख लिया हमने। अगला न्यूज़ है, ये आज का न्यूज़ है, पेटा अपोजेज न्यू लॉ ऑन जलीकट्टू।
तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पेटा, इन्होंने अपोज किया है। न्यूज़ कुछ तरीके से है, जलीकट्टू पे हमेशा से बहुत न्यूज़ बना है। तो सुप्रीम कोर्ट इशूड नोटिस टू तमिलनाडु ऑन पिटिशन बाय द पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया ऑफ सॉरी एनिमल्स दैट इज़ पेटा टू क्वैश द न्यू जलीकट्टू लॉ पास्ड बाय द तमिलनाडु असेंबली। तो अभी तमिलनाडु असेंबली में ने एक जलीकट्टू पे फिर से लॉ बनाया है, तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है उनको, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था परफॉर्मेंस जो भी ये एनिमल्स के खिलाफ होते हैं, जितने भी आपके जलीकट्टू हो या फिर वो ब्लैक कार्ट रेस हो या कोई भी ऐसी कंबाला हो, इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल इश्यूज रहा है हमेशा से। तो उसी पे पेटा ने एक पिटिशन फाइल किया है। अब देख लेते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा है क्या है। तो पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये एनिमल राइट्स के लिए काम करती है और वर्जीनिया में इसका ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इट क्लेम्स दैट इट हैज़ 6.5 मिलियन मेम्बर्स एंड सपोर्टर्स। तो ऐसा ही कहते हैं कि इनके बहुत सारे मेम्बर्स और सपोर्टर्स हैं और जिसके बेसिस पे काफ़ी काम करते हैं, और जितने भी एनिमल राइट्स को बचाने की बात होती है वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। एंड इंडिया की बात करें तो ये मुंबई में बेस्ड है और फाउंडेड इन जनवरी 2000 में इसको बनाया गया है इंडिया में। एंड इट फोकसेस प्रिंसिपली ऑन इन्वेस्टिगेटिव वर्क, पब्लिक एजुकेशन एफर्ट, रिसर्च, एनिमल रेस्क्यू, लेजिस्लेशन वर्क एंड स्पेशल इवेंट्स, सेलिब्रेटरी इन्वॉल्वमेंट एंड नेशनल मीडिया कवरेज। तो काफ़ी जगहों पे ये काम करती है, इनका फोकस बहुत जगह पे होता है, एनिमल्स के राइट्स को बेसिकली बचाने के लिए काम करती है, इतना याद रखिएगा। और है, और इनका प्रिंसिपल ऐसा कहता है कि द एनिमल आर नॉट आर्स टू ईट, वेयर, एक्सपेरिमेंट और यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट। तो इनका कहना है कि जो एनिमल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं बने हैं या हमारे खाने के लिए, पहनने के लिए नहीं बने हैं। तो उनके लिए एक सही पॉलिसी होनी चाहिए, उनकी जो देख रेख होती है वो बिल्कुल इंसानों की तरह होनी चाहिए, उनके पास भी अपने अधिकार होने चाहिए। तो उसके बेसिस पे ये काम करती है एंड डेफिनेटली दे आर परफॉर्मिंग वेल। नेक्स्ट न्यूज़ इज फर्स्ट ब्लैक पेरीगॉड ट्रफल कल्टिवेटेड इन ब्रिटेन। तो ये ब्लैक पेरीगॉड ट्रफल है जिसको कि पहली बार कल्टिवेट किया गया है ब्रिटेन में। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट हु अनाउंस द ब्रेक थ्रू दैट क्लाइमेट चेंज कुड मेक इट न्यू ब्रिटिश, उगाया जा रहा है वहाँ पे ब्रिटेन में। तो बस याद रखिए कि ये ब्लैक पेरीगॉड ट्रफल क्या है, दैट इज़ अ क्रॉप जो भी ब्रिटेन में उगाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है गुजरात हाई कोर्ट नोटिस ऑन फॉल्टी VVPAT एंड EVMs। तो न्यूज़ तो ऐसा है कि हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो इलेक्शन हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि VVPAT क्या है और किस तरीके से ये काम करती है EVM के साथ। तो व्हेन EVM इज़ इक्विप्ड विद द VVPAT, द वोटर एक्ट ऑफ प्रेसिंग द EVM मशीन ऑफ द हिज चॉइस वुड कॉज अ स्लिप ऑफ पेपर टू बी प्रिंटेड इन साइड द मशीन्स ट्रांसपेरेंट विंडो। तो इसमें ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति वोट दे रहा होता है तो वो किस व्यक्ति को चुन रहे हैं अपने चॉइस के, जो भी उनके नेता हैं उनका, उनकी इमेज उनके सामने आ जाएगी एक स्लिप में, और बाद में वो स्लिप किसी एक बंद डब्बे में, एक बॉक्स में चली जाएगी, जिसको कि 45 डेज के बाद निकाला जा सकता है अगर ऐसा लगता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है और सही रिजल्ट नहीं है, तो रीकाउंटिंग के लिए उस डब्बे का इस्तेमाल किया जा सकता है और वोट की रीचेकिंग हो सकती है। तो ये बहुत देखा जाए तो, और फर्स्ट स्टेट जो है जिसने कि VVPAT को यूज़ किया था, इस मशीन को यूज़ किया था, VVPAT का फुल फॉर्म है वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, जो आपको पता होगा, और इसको नागालैंड में सबसे पहली बार यूज़ किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है कंजर्विंग नाउ प्रिजर्विंग फ्यूचर, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि COP 23 अभी अभी हुआ है, हर साल होता है ये, तो हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहता है जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होते हैं UNFCCC के। तो उस वो अभी दोबारा से हुआ है, ये बोन में हुआ है, और यहाँ पे इस बार का जो थीम रखा गया था इंडिया की तरफ से, दैट इज़ था, वो था कंजर्विंग नाउ प्रिजर्विंग फ्यूचर। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया के कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं, और इंडिया पूरी कोशिश कर रहे हैं कर रहा है कि जो प्रोजेक्ट्स लाए जाएँ डेवलपमेंट के लिए जिससे एनवायरनमेंट का कोई नुकसान ना हो। तो ये है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 23 हुआ है UNFCCC का, वो बोन जर्मनी में हुआ है, अभी 6 से 17 नवंबर तक चलने वाला है ये। एंड द इनाग्रेशन ऑफ इंडिया हर साल, इसका क्या एम है, इसमें 200 अप्रॉक्स कंट्रीज़ हैं जो इसको साइन कर चुकी हैं 2015 में,
और इसका उद्देश्य है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता ही जा रहा है उसको रिड्यूस करना. एंड इट इज़ ट्राई टू रिड्यूस अ ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड हेल्प पुअर कंट्रीज अडेप्ट टू एन ऑलरेडी चेंज्ड प्लानट. तो ऐसे कंट्रीज़ जो बहुत पुअर हैं, जहाँ पे बहुत टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं है, तो वहाँ पे उसको असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उसको आगे लेके आना, इस कराना, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करना इसका उद्देश्य है. तो COP21 जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर भी. और COP22 माराकेश में हुआ था एंड COP23 बोन जर्मनी में हुआ होने जा रहा है अभी. And this, the India Pavilion from November 6 to 17 focuses on India's positive climate action in adaptation, mitigation and clean technology innovation. तो इन तीनों चीज़ों पर पूरा फोकस है इंडिया का, कि रीन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर के आया जाए, और जो क्लाइमेट चेंज से होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उससे लड़ा. सोनिक क्रूज मिसाइल तो अभी टेस्ट किया गया है, DRDO ने टेस्ट किया है और सक्सेसफुल टेस्ट रहा. निर्भया इंडिया की पहली इंडिजिनसली डिज़ाइंड डेवलप्ड लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है. तो पूछा जा सकता है कि निर्भया क्या है, न्यूज़ में था. तो ये एक लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और DRDO ने इसको डेवलप किया है. नेक्स्ट है छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा है कि इसे ओडिशा हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सेलेंस एंड इक्विटी प्रोजेक्ट है. इसमें वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है. तो इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ. तो आप अगर कई कई बार लिखते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में या आंसर राइटिंग करते हो, तो वहाँ पे आप इसको एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो कि वर्ल्ड बैंक जो है वो ना सिर्फ डेवलपमेंट के लिए ही काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, बल्कि किसी भी मींस में डेवलपमेंट के लिए वो लोग काम करते हैं. तो इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है स्टूडेंट्स की, उसको इम्प्रूव किया जाए, और इसके लिए जो सर्टेन इंस्टीट्यूशंस हैं उसको सेलेक्ट किया जाए, और उसके जो भी एजुकेशन क्वालिटीज़ हैं उसको बढ़ाया जाए. और ये कहाँ पर बेस्ड है, ओडिशा में है. न्यूज़ दैट इज़ शी बॉक्स ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है. ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल होगा, ठीक है, शी बॉक्स. और जो वर्क प्लेस पे जो वुमेन सेक्सुअली हरास होती हैं उनके लिए है कि वो कंप्लेन कर सकती हैं वहाँ पे. एंड इट वाज लॉन्च इन न्यू दिल्ली टू इंश्योर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एक्ट 2013. तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, आपने इसको पढ़ा होगा. इसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये शी बॉक्स लाया गया है. एंड ये एक पोर्टल है बेसिकली. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये सारी महिलाओं के लिए है जो एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट एज वेल एज़ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में. तो ये याद रहिए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए भी है. और ऐसे भी लोग जो कि ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुके हैं कंप्लेंट कमेटी में या फिर लोकल कंप्लेंट कमेटी में, तो वो भी इस पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी हियर एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड PDFs जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे, और काफ़ी सारे आप एक बार हमारी वेबसाइट पे ज़रूर विजिट किया कीजिए PDF के लिए. तो आपको इस वेबसाइट पे PDF मिल जाएगा जो पुराने PDFs हैं, और जो अभी के अगर कुछ PDFs नहीं डले हैं तो वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, कीप स्टडिंग.